بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون صلوات بابا جل الله حضرات گرامی سادات و مومنین سلام علیکم تحفہ یا علی مدد मन्ना चीज ने इस वेले जनाब की खिदमत वेच कुरआन मजीद छठा पारा सूरा मैदा दी आयत नंबर 55 दी तिलावत दा शर्फ हासिल किया है। मजहबे शिया खैरुल बरिया ते गैरां दी तरफों बड़े बड़े एतराजात किए जाते हैं। सादक आले मुहम्मद दे मजहब ते सब तो वड्डा एतराज किया जाता है कि शिया अली उन वलीउल्ला पढ़ते हैं, इन्हों का कलमा वेखो ता अली उन वलीउल्ला, आजान देखो ता अली उन वलीउल्ला, इबादत देखो ता अली उन वलीउल्ला। लिहाजा अज की मजलिस मैं विलायत अली अलैहि सलाम ते पढ़नी। जिथों जिथों तक मेरी आवाज आ रही है शिया सुन रहे अले सुनत भाई समाध फरमा रहे हो, सजना याद रखी शिया अली उन वलीउल्ला एवें नहीं पढ़ते। अली की विलायत साबत अल्लाह के कुरान नाल, मुस्तफा के फरमान नाल, मन कुंतू मौला दे एलान नाल, खुद हजरत उमर के अपने बयान नाल। एवें ऐसा विलायत अली का ऐलान किया ही नहीं। जड़ी आयत पढ़ी है सूरा मैदा की आयत नंबर 55 है, 150 किताब है बरादरन इस्लाम की, तफासीर हदीस शुरू है हदीस मुनाकब सीर तवारीख 150 किताबों मौजूद है। नाजलत हाजिल आया शिया सुनी भाइयो, इन्नामा वलीयकुमुल्ला दी आयत तुहाड़े बिर बौला अली दी शान विच उस वक्त नाजल हुई जदों सरकार ने रुकू की हालत में अंगूठी खैरात फरमाए। इहदी तफसील है वे मदीना मुहम्मद मुस्तफा दा आबाद आई, एक मंगता आया मसीते, मसीते आके उन्होंने कोल मंगया, जिहड़े घर दे कोई शै नहीं सन देंदे, मंगते नूं कुछ ना मिलिया, हाथ चुक के कहिंदा लौमा शद मेरे अल्लाह गवाह रहन तेरे रसूल की बारगाह से खाली जा रहा हूं। मंगते दे शिकवा बड़े लफ्ज़ सहाबा किराम ने मस्जिद नबी सुने, नबी पाक ने अपने हुजरे च सुने, तेरे मेरे मौला अली ने रुकू दी हालत विच अंगूठी की तरफ इशारा करके मंगतियाल सटिया फरमाया, मंगतिया गिले ना कर, शिकवे ना कर, मसीत च नबी मौजूद नहीं, नबी दा वारिस अली जू मौजूद। मंगता अंगूठी लैके बाहर निकलिया, दूजे पासे सोना मक्की ते मिठा मदनी सबज गुंबद वाली सरकार, पाक मुस्तफा तशरीफ लिया है मस्जिद के दरवाजे ते आमना सामना होया, काली कमली वाले मंगत नूं पुछया कोई शै मिली है के दिया, मंगता हथ बन के कहिंदा सरकार जरूरत तो चोखा मिल गया हाजत तो वधीक। काली कमली वाले फरमाए केड़ी शै मिली, अख लगा अंगूठी। मुस्तफा फरमाया मन आता का हाजल खातम, मंगतिया तेनू अंगूठी दिती कैवें? मंगता कहिंदा जाके राके ओ सखी हस्ती जिहड़ी नमाज पढ़ रही है उन्हें मैनू अंगूठी खैरात कीती है, बाकी तो सारे लोहे दे थाणी सन। तफसीर फतुल कदीर लामा शोकानी है जिल्द नंबर 257 अस्टा मेरे हाथ में, तफसीर दूरे मंसूरे लामा जलालुद्दीन सयुती है जिल्द नंबर 2293 वर्के दा खब्बा पास। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमांदे ने जा मेरे मुर्शिद अली ने रुकू विचों सरचाया नहीं, जिब्रील आयत लैके नाजल हो गई, नमा वलीयकुम अल्लाह व रसूलहू वल्लज़ीन आमनू अल्लज़ीन युकीमून सलात व यूतून ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह फरमाया मुसलमानो तुहाडे हाकम ते वली तीन, तुहाडे हाकम ते वली तीन, एक मैं अल्लाह वली, एक रसूल वली, एक शाहर बतूल वली। शिया बैठे हो सुनी बैठे हो, कोई बंदे कहिंदे ने जी विलायती अली ते कुरान दी नस कोई नहीं, ये नस कड़ी शाह नू कहिंदे ने जी, कुरान दी जी नस कोई नहीं, यानी आयत कोई नहीं, तो मैं ग्रंथ पढ़ी है। जेड़े कहिंदे ने कुरान दी आयत कोई नहीं, विलायती अली ते नस कोई नहीं,
उस बेवकूफ जाहिल ते अनपढ़ नूं पुछो सूरह मायदा दी आयत नंबर 55 चली अल्लाह वली तिन दसे ने कि मैं अल्लाह वली एक रसूल वली एक हालत रकू विच रख अंगूठी खैरात करन वाला मौला अली वली ते असी शिया कलमा भी तो यही पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया अल्लाह नूं वली मन्निया जो मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िया सल्तनत मुस्तफा दा इजहार किया सजड़ा कुरान की रूह नाल तीसरा वली है मौला अली या इनामा वलियो को मुला दी आयत कुरान विचो बाहर कढ़नी पड़ेगी या अली उन वलीउल्लाह पढ़ना पड़ेगा जे ते सुनिया कुरान विच वली दो हुंदे ते असी दो ही गवाहियां देंदे ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ते चुप कर जांदे तीजे तो तीसरा वली है मौला अली जिन्हें हालत रकू चंगूठी खैरात फरमाई ए बंदा कहिंदा तू कहिंदा मौला अली हालत रकू चंगूठी दीती मौला अली नूं नहीं सी पता मैं नमाज पिया पढ़ नमाज पे पढ़ते सन कि अंगूठिया पे सड़ते सन अज अली दी नमाज बचाएगा या अली दी खैरात बचाएगा मैं क्या दोवें शावा बचन दियां हैदरी दा पुत्तर हां कह लगा मौला अली नमाज पढ़ते हैं अंगूठी दीती ते अली पाक दी ते नमाज टुट गई मैं क्या मुसलमाना दे रूप च लगदा मैनू खारजी है खारजी जेड़ा मौला अली दी नमाज ते इतराद करना कि मौला अली हालत रकू अंगूठी दीती ते अली दी नमाज टुट गई मैं क्या मौला अली दी अंगूठी देने कहना नमाज टुट गई जनाब की किताब कंजुल माल जिल्द नंबर दी 242 वर्गे का खब्बा पास है जिसे मौजूद है नबी पाक नमाज पढ़ाते सन कुछ बंदे पला मानस पिछे जुआ मारते सन मैं क्या मौला अली दी अंगूठी देने कहना अली दी नमाज टुट गई ते जेड़े नबी दे पिछे तड़क तड़क करके जुआ पे मारते ने उन्होंने अपना मामा बनाई फिरना तवज्जो है मौला अली दी आके अंगूठी दीती ते नमाज टुट गई ते जड़े मैनू बंदा कह लगा मौली करामत साहब ये शागिर्द ने साडे बजुर्गां दे बड़े वफादार है करामत हैदरी साहब आ मोड़ां दे सारे मौल भी फड़ लैंदे ने तवज्जो है हवाला जात है नहीं इन्हां कोल बजुर्गां भी दिते ने मैनू बंदा कहन लगा वली तो बड़े चूड़ा शरीफ वली मूड़ा शरीफ वली शाह शमस तबरेज वली शाह यूसुफ गर्देज वली फरीदुद्दीन गंज शकर वली बाबा साबर वली बाबा तो जावा सदके साबर तो जावा वारी तू एक वारी सद ले मैं बड़ी दुखियारी दाड़ी वाली दुखियारी तवज्जो है ना बंदा कहन लगा वली तो बड़े ने दाता साहब भी वली ने ते तुसी कलमे च सिर्फ शिया अली दा ही नाम लैंदे हो जाकर साहब कहिंदा सिर्फ अली दा ही नाम मैं क्या नबी किन्न कहिंदा 1,24,000 नबी हैं ते मैं क्या कलमे च सिर्फ मुस्तफा दा ही नाम आंदा मेरा जी समझिया नहीं नबी बड़े पर नबिया दे सरदार मुहम्मद मुस्तफा दा कलमे च नाम लै लिया सारे नबी विच ही आ गए सारे विच ही मैं क्या मौली साहब मसला तुसी आप हल कर दिता जे नबिया दे सरदार मुहम्मद मुस्तफा दा कलमे च ना लिया सारे नबी विच आ गए वलिया दे सरदार हैदर करार दी विलायत दा इकरार किया सारे वली विच आ गए अलग तो इकरार करन दी लोड़ ही कोई नहीं ना लैन दी जरूरत ही कोई नहीं जे नबिया दे सरदार दा ना लिया तो सारे नबिया दा इकरार हो गया तो वलिया दे शहनशाह दा ना लिया तो सारे औलिया इकराम दा बाप वजू मेंबर ते खड़ा दोनों हाथ कुरान ते ने कूड़े ते बार बार अपना बैठा बेगाना अंदर लाए या बाहर ला मच्छियाली किताबां ने बरादरां ने इस्लाम दी 46 किताबां दे विचों कलमे दे विच अपने मुर्शद अली दा नाम पेश कर सकदे सजना कड़ी जगह तो तैनूं अली उन वलीउल्लाह लिखिया विखावा हदीस दे विचों अली उन वलीउल्लाह चन्न ते लिखिया विखावा अली उन वलीउल्लाह सूरज ते लिखिया विखावा अली उन वलीउल्लाह लौ ते लिखिया विखावा अली उन वलीउल्लाह कलम ते लिखिया विखावा अली उन वलीउल्लाह आसमान दे अतराफ ते लिखिया विखावा अली उन वलीउल्लाह पहाड़ां दीआं चोटियां ते लिखिया विखावा अली उन वलीउल्लाह इसराफील फरिश्ते दे मत्थे ते लिखिया विखावा या जबरील दे परां ते लिखिया विखावा
जन्नत दे अठां दरवाजियां ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। नबी पाक दे लवाए हमत ते भी मैं कोई जुबानी गल कर रहा बगैर दलील दे कदी गल कीती नहीं, मैं बेदलील दा पुत्तर ही नहीं, एक एक लफ्ज़ दा जिम्मेदार हाँ। मेरे हाथ में जनाबियल मवद्दत किताब दा नाम जनाबियल मवद्दत अलामा सुलेमान कंदोजी बल्खी हनफी मुफ्ती आजम कुस्तुंतीनिया जिल्द नंबर दी अव्वल है सफा 296 वर्के दा सज्जा पासे 14वीं सतर है। एदे दर्ज नबी पाक साहिब औलाक ने फरमाया माशर दे मैदान सूरज सवा नेजे दे फासले ते आ जाना। कुछ सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन उन्हें कहा यार सुल्ला जी एडी नेड़े सूरज आ गया साडा ते खुदा ही आफत असी ते गए। हुजूर फरमाया नहीं अन्ना सैयद तो बोलते आदम आदम पर तू दा उता तलबाई। नबी पाक फरमाया मुसलमान नूर रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह परेशान ना हो क्या दिन बाबू हमद का कलम होएगा जिदा ना लवाए हमद होएगा जेड़ा मेरे अलम के थले आएगा सूरज की गर्मी ते तपश तो बच जाएगा ते जेड़ा अलम थले नहीं आएगा भुज जाएगा जेड़ा अलम थले नहीं आएगा। सहाबा इकराम ने आखिया यार सुल्ला इंज ना हो क्यामत वाले दिन तुहाडे अलम थले आने की बजाय झूठिया के झंडिया थले ना टुर जाइए। क्यामत वाले दिन बनू मैया एंड कंपनी के भी झंडे होने ना। नबी पाक साहब लोलाक ने फरमाया मुसलमानों मकतूब लाया सलासा तो अस्तोरेन मुसलमानों याद रखो क्यामत वाले दिन मैं मुहम्मद का जरा आलम होएगा उसकी निशानी यह होएगी उसे त्रै जुमले लिखे होने दे कितने। नबी पाक साहब लोलाक ने फरमाया सतरुल अवल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं मुहम्मद के आलम ते क्यामत वाले दिन पहला जुमला लिखा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तरु सानी अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी फरमाया दूसरा जुमला लिखा होगा मैं मुहम्मद के आलम ते अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काली कमली वाले इरशाद फरमाया क्यामत वाले दिन मैं मुहम्मद के आलम ते तीसरा जुमला लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। शिया बैठा है ले सुना सुना बिरा बैठा है जनाबी अल मवद्दत ना होवे जिल दफल ना होवे सवा 296 ना होवे वरके दा सज्जा पासा ना होवे 14वीं 17 ना होवे बरादरानी इस्लाम दी किताब ना होवे बैरूदी छपी होई ना होवे नबी दा लवाए हमद ना होवे कलमे चली उन वलीउल्लाह ना होवे शिया पढ़ना ही छड़ दें अपना बैठ अपना या बेगाना सजना कदी भूल के भी अली उन वलीउल्लाह दी मुखालफत ना करी वगरना सलम दा साया नसीब नहीं होना जिदे उत्ते लिखे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन। ते जे विलायत दी मुखालफत कीती फिर पाकां दा आलम नसीब नहीं होना फिर बनू मैया दी माई चंडो सलवात बड़े बाबा से बुलंद अर्ज कर तवज्जो है ना हुजूर दे आलम ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन। तीसरा हवाला सुना देना मेरे हाथ में आशिफा बेतारीफे हुकूकल मुस्तफा किताब दा नाम है आशिफा। की नाम है किताब दा? आशिफा। इस किताब के बारे मशहूर है जड़ा बंदा बबार हो ना लेटिया लेटिया किताब पढ़े उन्हें शफा हो जाती ते जिन्हों अली उन्हों अली उल्लाह इनकार की बीमारी है उसका भी ये चला जे मुसलमान मेरे सजे हाथ च कुरान ते खबे हाथ च मुस्तफा दा फरमान कूड़े ते करोड़ लानत शिया सुनी भाई मेराज की रात सोने मक्की ते मिठे मदनी ने अरश दे मत्थे ते जड़ा कलमा डिठा सी उहदे विच तुहाडे मेरे मुर्शिद अली दा नाम मौजूद है। नबी पाक ने मेराज की रात अर्ज किया परवरदिगार आलम जड़ा अरश दे मत्थे ते ला इलाहा इल्लल्लाह लिखे ता अल्लाह दी तौहीद मुहम्मद रसूलुल्लाह मेरे रसूल दी रिसालत मेरे वीर अली वली दा नाम कलमे विच शामिल किया क्यों अरश दी रौनक बनाया क्यों ही आवाज़ कुदरत मेरा सोना हबीब बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह मैं अल्लाह दी तौहीद मुहम्मद रसूलुल्लाह तैन रसूल दी रिसालत पर आया तू बे अलीयन जब तक मोमिना दा मौला हैदर करार मददगार बन के मैदान बेच ना उतरे सोने ना मेरी तौहीद बचदी ना तेरी रिसालत मनी दी।